रंग प्यार के ऐसे सर बड़े अजीब अजीब रंग हो रहे हैं यहाँ पर। इस वक्त जो आज जो हम सीन कर रहे हैं, ये जो ईश्वरी हैं, जो मेरी बहन है, इनका बर्थडे है आज। तो ये सब बच्चियाँ जो मेरी भांजियाँ हैं, मेरा भांजा है, मेरी वाइफ है, और वो जो इस शो की जो हीरोइन है ना, तो सब लोग यहाँ पर हैं और उसका बर्थडे मना रहे हैं। तो हर साल क्या होता है कि ये देव जो है ये अपनी माँ को लेके जाता है, शॉपिंग कराता है, और उसके लिए खूबसूरत सी साड़ी लेके आता है। इस बार भी ऐसी एक साड़ी लेके आया है और उसका बर्थडे मनाया जा रहा है, उसका वही शॉट चल रहा है अभी। तो सब बच्चियाँ चाहती हैं कि मतलब केक काटा जाए और केक तुम काटो, और वो बोलती है मेरी बहन यार ये उम्र में ये चोचला क्यों, मेरे से नहीं होगा ये हैप्पी बर्थडे, वो सब लोग वी डोंट बिलीव, बट वो फोर्स करती हैं। और मैं उनको कहता हूँ कि नहीं ईश्वरी, बच्चों की ज़िद है तो तुम केक काटो और सेलिब्रेट करो। इस तरह का सीन चल रहा है सर। जैसे कि अक्सर शो में दिखाया जाता है कि मामा थोड़ा सा घर में झगड़ेबाजी कराने वाला मामा होता है, अक्सर शो में दिखाया जाता है। हाँ, लेकिन इस शो में ऐसा नहीं है, इसमें उल्टा है। इसमें जो मेरी वाइफ है, मेरी जो मामी का रोल कर रही हैं, वो उनका नेगेटिव करेक्टर है, वो बड़े झगड़े कराती रहती हैं और मैं उसको सुलझाता हूँ। इसमें मेरा उल्टा है, बहुत ही पॉजिटिव रोल है, क्योंकि ये बताया कि जब ये लोग गरीब थे, मेरी बहन गरीब थी तो मेरे घर में रहते थे, और इन्होंने बड़े बुरे दिन देखे हैं, तो उस वक्त मुझसे जो कुछ हुआ, जो कुछ बन पड़ा, मैंने इनकी मदद की। लेकिन उसके बाद जब ये भांजा बड़ा हो जाता है और बड़ा होनहार होता है, बहुत पढ़ लिख करके आज वो इस पोजीशन में है कि एक बहुत बड़ा आदमी बन गया है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है उसकी, बहुत बड़ी कंपनी चलाता, और आज ये इतना बड़ा इसने एक मकान बनाया अपनी ईश्वरी निवास करके, और माँ को बहुत प्यार करता है ये, क्योंकि मेरा और ईश्वरी का भाई बहन का रिश्ता बहुत अच्छा बताया है इसमें। तो मैं भी यहाँ पर हूँ, लेकिन वो वाइफ, मैं नहीं चाहता कि अपनी बहन के घर में रहूँ, लेकिन मेरी वाइफ जो है वो बहुत लालची है, और वो उसका ये है कि भाई हमने इनकी मदद की थी उस वक्त, हालांकि वो मदद उतनी नहीं की थी, उनको थोड़ी सी मदद की होगी, अब घर में रख दिया होगा कुछ दिन तक, तो वो चाहती है कि वो यहाँ, और वो अपने घर में आग लगा करके हमको यहाँ पे लाई हुई है, और वो इसी तरह के झगड़े भी कराती रहती है जिसको मैं बड़ा सुलझाता हूँ, डांटते रहता हूँ। तो मेरा बड़ा पॉजिटिव रोल है इसमें, और बहुत अच्छा रोल है, और शो इज़ गोइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा प्रोडक्शन है ये, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत अच्छा डायरेक्शन है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके जो कलाकार हैं, सारे के सारे कलाकार, सुप्रिया जी और शहीर शेख और अरिका और मेरी वाइफ का जो रोल कर रही हैं अलका, एंड सब जितने भी बाकी सब करेक्टर्स जो हैं इसमें बहुत अच्छे हैं, सब अपना अपना किरदार बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। एंड आई थिंक मैंने जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, मैंने देखा है कि हिंदुस्तान के बाकी शहरों में मैं जहाँ भी गया हूँ, लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है और इस शो को पसंद कर रहे हैं। सर, आपने बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, आमिर खान से लेकर एक से बड़े बजट की फिल्में की हैं, तो सीरियल में और उसमें कितना डिफरेंस मानते हैं, कितना एंजॉय करते हैं आप? मैं तो हर जगह एंजॉय करता हूं सर। चाहे देखिए, मैं जहां तक समझता हूं, एक्टिंग तो कैमरे के सामने ही करना है, अब वो चाहे टीवी हो या बड़ा पर्दा हो या कोई एड फिल्म हो या कोई फिल्म हो या टीवी का शो, एक्टिंग करनी होती है सर। अभी हम यहाँ पर आपके सामने कैमरे में हैं, डायरेक्टर एक्शन बोलेगा हमको एक्टिंग करनी है, हम उस वक्त भूल जाते हैं कि हम ये टीवी के लिए कर रहे हैं या फिल्म के लिए कर रहे हैं। वो उनका हेडेक है कि वो किस तरह से शूट करना चाहते हैं, हमें तो एक्टिंग करना है सेम जैसे फिल्म के लिए या टीवी के लिए। एक टेनर, आशिकी का टेनर, कितना बड़ा एक्सपोजर मिला, आप नए नए थे उस दिनों में, बात करें। हाँ, क्या कहना चाहेंगे अगर आप?